उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि यूपी में फिलहाल किसी बड़ी रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस यूपी में वर्चुअल रैली पर जोर देगी। पार्टी ने इसके साथ ही राज्य में आयोजित होने वाली लड़कियों की मैराथन रेस को भी रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी नेतृत्व ने वाराणसी और आजमगढ़ में होने वाली मैराथन दौड़ को कैंसिल कर दिया है। आजमगढ़ में आज और वाराणसी में 9 जनवरी को लड़कियों की मैराथन दौड़ का आयोजन होना था, लेकिन अब इसे अगली सूचना तक कैंसिल कर दिया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इन मैराथन रेस में बड़ी संख्या में लड़कियां जुट रही थी। इस भीड़ के कारण कई बार इस दौड़ में अव्यवस्था देखने को मिली। बरेली में आयोजित ऐसी ही एक मैराथन रेस में मंगलवार को भगदड़ जैसे हालात बन गए थे, जिसमें कई लड़कियां घायल हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस के इस मैराथन दौड़ पर सवाल उठना शुरू हो गए थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस इस बार महिलाओं के अधिकार को लेकर मुद्दा उठा रही है, जिसके अंतर्गत लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के स्लोगन के साथ कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में अलग अलग शहरों में लड़कियों की मैराथन रेस का आयोजन हो रहा था। हालांकि इसे लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नाराजगी जताते हुए मंगलवार को बरेली के डीएम को नोटिस भेजा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।